अब देखो आज की इस डिजिटल दुनिया में लोग बहुत तरह से खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, स्पेशली अपने स्मार्टफोन के थ्रू से विजुअल्स देख के, यानी कि डिजिटली खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। और ऐसे में लोग कॉमिक्स पढ़ के खुद को एंटरटेन करेंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, कॉमिक्स हम उस टाइम पे पढ़ा करते थे जब हमारे पास ऐसा कुछ डिजिटल डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे, ना स्मार्टफोन हुआ करता था और टेलीविजन्स पे हम नॉर्मली कार्टून्स देखते थे। हम उस जमाने से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे टाइम पे टेलीफोन हुआ करता था जब हम छोटे थे और स्मार्टफोन तब आया जब हम थोड़े से बड़े हो गए। तो ऐसे में बहुत से भाई लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बोला कि यहाँ पर आप कॉमिक्स ऐप्स के बारे में बताओ, ऐसा कुछ एप्लीकेशंस बताओ, ऐसा कुछ वेबसाइट्स बताओ जहाँ पर हम कॉमिक्स पढ़ सके। अब कॉमिक्स जब मैंने फिर से सुना तो मुझे फिर से ख्याल आ गया नागराज, चाचा चौधरी, जब हम छोटे छोटे बुक्स, कॉमिक्स बुक्स यहाँ पर परचेज करते थे और उसे पढ़ते थे और बहुत मज़ा आता था। जिस किसी के पास भी कॉमिक्स यहाँ पर अवेलेबल होता था स्कूल में, उसका डिमांड ही कुछ और ही होता था। वो बोलता था भाई आज तू मुझे देना, कल दूसरा दिन भाई उसके बाद मुझे देना, ऐसा कुछ होता था जिसके पास भी कॉमिक्स रहता था। और उस कॉमिक्स में हमें स्पेशल एक पोस्टर भी अवेलेबल किया जाता था और मैक्सिमम जो कॉमिक्स आते थे वो राज कॉमिक्स की तरफ से आते थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे में नागराज हमारा फेवरेट हुआ करता था और यहाँ पर चाचा चौधरी बहुत फेवरेट हुआ करता था। तो ऐसे में आप सभी लोगों के डिमांड के ऊपर यहाँ पर, आप में से मैक्सिमम लोग, जितने भी लोगों ने मुझे कॉमिक्स के बारे में यहाँ पर पूछा, उनके डिमांड के ऊपर मैं ये वाला वीडियो लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है और वहाँ पर आपको मैक्सिमम यहाँ पर कॉमिक्स बुक्स मिल जाते हैं और आप फिर से उस जमाने में जा सकते हो या फिर अभी के किड्स भी उसे पढ़ के खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, अपने दिमाग के अंदर वो विजुअल्स को जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। एक अलग सा मज़ा आता है कॉमिक्स पढ़ने में। अगर आपने कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ा तो इन ऐप्स के थ्रू से कॉमिक्स को पढ़ना, उसके बाद आप एक्सपीरियंस करना कि हम उस टाइम पे उस बुकलेट से क्या एंटरटेन करते थे खुद को और अभी आप कैसे खुद को एंटरटेन कर पाओगे। तो ऐसे में आप वीडियो को आखिर तक देखते रहो। चैनल पर अगर नए हो, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक ऐसे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच रहे। सो गाइस, चलिए हम बात करते हैं उन कॉमिक्स एप्लीकेशंस के बारे में जिसमें से एक एप्लीकेशन पे आपको इंग्लिश कॉमिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, बाकी की जितने भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर आपको हिंदी कॉमिक्स देखने को मिल जाते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे लोग, बहुत से भाई लोग ये कहोगे कि आपने इंग्लिश का यहाँ पर ऐड नहीं करा, इस वजह से मैंने एक एप्लीकेशन ऐड करा है जहाँ पर आपको फ्री में मिल जाता है आपको इंग्लिश कॉमिक्स और बाकी के एप्लीकेशन में आपको हिंदी कॉमिक्स सारे के सारे फ्री में अवेलेबल मिल जाते हैं। तो ऐसे में चलिए हम देखते हैं उन एप्लीकेशंस को। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है तापस स्टोरीज यू क्रेव, ये कॉमिक्स एप्लीकेशन का नाम है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको इंग्लिश कॉमिक्स मिल जाते हैं सारे के सारे। अब आप अपने टॉपिक्स के हिसाब से, आप अपने कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पर रोमांस का मिल जाता है, आपको दूसरे टाइप के सारे कॉमिक्स यहाँ पर मिल जाते हैं, एक्शन का मिल जाएगा, थ्रिलर का मिल जाएगा और बाकी जैसा आप चाहते हो सुपर हीरो वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो अगर आप इस एप्लीकेशन, आपको ये वाला एप्लीकेशन मानो पसंद नहीं आता इंग्लिश में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसके थ्रू से आप जाओगे तो वहाँ पर और भी बहुत सारे इंग्लिश कॉमिक्स ऐप्स आपको मिल जाएंगे, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। अब इंग्लिश कॉमिक्स बुक्स मैंने एप्लीकेशन इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि लोग हिंदी का ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इस वजह से मैंने एक ही एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड करा है। तो ऐसे में अगर इसके अलावा आप चाहते हो तो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद जो है वो है बांकेलाल कॉमिक्स। अब आपको नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये एक हिंदी कॉमिक्स एप्लीकेशन है। अब देखो यहाँ पर आपको सारे के सारे कॉमिक्स बुक्स देखने को मिल जाते हैं, राजकोष के लुटेरे, बांकेलाल और यश कुमार। अब ये वाले को मैं क्लिक अगर करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर सिंपली ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है, आप यहाँ पर क्रोम के थ्रू से भी कर सकते हो। उसके बाद अपने ईमेल को सेलेक्ट कर लेना है जिस भी ड्राइव पे आप ओपन करना चाहते हो। उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो वाला पूरा पूरी आपको कॉमिक्स बुक देखने को मिल जाता है। आप देखो यहाँ पर राज कॉमिक्स की तरफ से ये कॉमिक्स अवेलेबल है। अब ये लोग आपको ऑनलाइन अवेलेबल करवा रहे हैं, अब बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो और एक बार आप डाउनलोड कर लो तो फिर दोबारा कभी भी आप पढ़ सकोगे। अब देखो आपको यहाँ पर सारे के सारे कॉमिक्स देखने को मिल जा रहे हैं और कितना मज़ेदार होगा जब आप इसको पढ़ोगे, इस विजुअल्स के साथ जब पढ़ोगे तो आपको वो फील आएगा क्योंकि हमें उस टाइम पर वैसा ही होता था कि ऐसा कुछ राज्यसभा बैठा है, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने वैसा किया, देखो उसने ऐसा ड्रेस पहना है। तो एक अलग टाइप का चीज़ होता था हमारे वक्त में। आप भी इस चीज़ को अभी भी इंजॉय कर सकते हो भले ही वो डिजिटल फॉर्मेट में हो।
तो इस तरह से आप ये वाला एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पर बहुत तरह के मिल जाते हैं सारे के सारे यहाँ पर कॉमिक्स। इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो है हिंदी कॉमिक लाइब्रेरी। अब देखो यहाँ पर आपको सारे कैटेगरीज मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे टाइम पे नागराज होता था फेमस, तो ऐसे में यहाँ पर नागराज अवेलेबल है। आप यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करो और यहाँ पर नागराज की जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ है, तो आप उस टाइप पे आपको जो भी पसंद है, हमारे टाइम पे क्या पसंद था हमें उतना याद नहीं आ रहा है फिलहाल। ये जो नागराज की काबरा आप देख रहे हो ये वाला भी बहुत फेमस ही है, तो कॉमिक खोलने पे ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और ये इसे डाउनलोड करेगा, और एक बार आपका डाउनलोड होने के बाद आप कभी भी इसे पढ़ सकते हो दोबारा। तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको यहाँ पर। ये देखो नागराज की कब्र। अच्छा, तो ऐसे में ये वाला जो कॉमिक्स है इसे आप पढ़ो, एंजॉय करो, और इस तरह से आपको जो भी कॉमिक्स पसंद है वो सारे के सारे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर ये भी राज कॉमिक्स के तरफ से ही यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाता था, और उसी का डिजिटल कॉपी हमें यहाँ पर ऑनलाइन मिल रहा है जो हमें पहले बुकलेट के फॉर्म में मिलता था। तो ऐसे में आप इस हिंदी कॉमिक लाइब्रेरी ऐप को ट्राई करो, ये भी कमाल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू से आप आर्टिकल में जाओगे, वहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन के लिंक वन बाय वन दिए गए हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो है कॉमिक गुरु। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कॉमिक्स बुक्स मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आपको सारे कैटेगरीज मिल जा रहे हैं। अब देखो बहादुर, डोगा, ये डोगा जो आप देख रहे हो ना ये भी बहुत फेमस है, आप पढ़ के देखना एक बारी। ये देखो बांकेलार, नागराज, आपको डार्क मैजिक कॉमिक्स, इंस्पेक्टर मनोज, ये स्टोरी टाइप में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे यहाँ पर कॉमिक्स आपको इसमें मिल जाते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, आप इसका कोई भी एपिसोड यहाँ पर पढ़ सकते हो। मतलब एपिसोड मतलब एक कॉमिक्स बुक्स होता था तभी के टाइम में, ये वाला सोचो एक कॉमिक्स बुक्स होता था। ये देखो लाल हवेली का रहस्य, अब ये भी एक कॉमिक्स बुक्स है, तो ऐसे में आप इसे पढ़ सकते हो वन बाय वन और खुद को एंटरटेन कर सकते हो। अगर आपको पसंद है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा, और अभी के किड्स को मे भी अच्छा नहीं भी लग सकता है भाई साहब, तो ये अपने अपने पर डिपेंड है, बाकी खुद को एंटरटेन आप कर सकते हो उसके थ्रू से। जो एप्लीकेशन है वो है हिंदी कॉमिक्स। अब देखो ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले नागराज देखो, ये चाचा चौधरी भी यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद देखो आपको यहाँ पर ध्रुव मिल जा रहा है, परमाणु मिल जा रहा है, आपको एपोकलिप्स मिल जा रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको एवेंजर्स भी मिल जा रहे हैं, और आपको यहाँ पर देखो बैटमैन, सुपरमैन, वेनम, गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, हल्क, एवेंजर्स, तो ये सारे चीज़ मिल जा रहे हैं। और ये वाला एप्लीकेशन 7 दिनों बाद खुद को अपडेट भी करता है, मतलब नए नए कॉमिक्स को ऐड भी करता है। चलिए हम यहाँ पर चाचा चौधरी को खोलते हैं, और चाचा चौधरी अपने वक्त के टाइम पे कमाल के चीज़ थे भाई साहब। तो ऐसे में चाचा चौधरी के कॉमिक्स बहुत फेमस थे, चाचा चौधरी और साबू, और वो हमेशा केस यहाँ पर सॉल्व करते थे। वो तभी के टाइम में CID थे, जासूस, खुफिया, आप जो भी कह लो, तो वैसा कुछ था चाचा चौधरी का। चलिए हमने ये सेकेंड वाला क्लिक करा। यहाँ पर आपको दो ही एपिसोड में मतलब दो ही ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सारा का सारा मिल जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा लोड होने में, लोड होने के बाद आप इसे आराम से पढ़ो, बेहतरीन तरीके से पढ़ो और मज़ा उठाओ इस चीज़ का। अब देखो ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पर स्कैन करके इस चीज़ को यहाँ पर डाला गया है, आप इसको जूम करके भी पढ़ सकते हो ताकि आप बेहतर तरीके से यहाँ पर पढ़ सको। आपको ये मैं पहला वाला खोल के दिखाता हूँ, ये ज़्यादा बेटर लगा था मुझे। ये देखो अमूल्य बिल्ली, अब यहाँ पर टोटल इसमें 400 से भी ज़्यादा यहाँ पर पेजेस आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में आप इसे पढ़ो, इन्जॉय करो, और ये वाला जो एप्लीकेशन है हिंदी कॉमिक्स बहुत बेहतरीन है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के में जाओ, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन के लिंक उस आर्टिकल में मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपको इन कॉमिक्स ऐप्स के थ्रू से खुद को एंटरटेन करना है, और यही एक तरीका है, क्योंकि अभी के टाइम में कॉमिक्स आपको नहीं मिलते हैं मार्केट में खरीदने के लिए। सो गाइज, ये था एक छोटा सा वीडियो जहां पर हमने आपको बताया कि कॉमिक्स आप कैसे एप्लीकेशंस के थ्रू से ऑनलाइन पढ़ सकते हो और खुद को एंटरटेन कर सकते हो, या फिर हमारे एज से आप बिलोंग करते हो तो खुद को उस जमाने में आप एक बार फिर से ले जा सकते हो और अपनी यादों को फिर से ताजा कर सकते हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। सो गाइज, मिलता हूँ फिर से नई वीडियो में, तब तक खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।